हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं डीआरसी। डीआरसी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग सीखूंगा कुछ इस टाइप से बोरिंग से फोटो में कैसे अच्छा कलर ग्रेड करके कुछ अच्छा सा बना सकते हो। तो आप भी अगर सीखना चाहते हो कुछ इस टाइप का एडिटिंग, तो इस कमाल के वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में फॉलो नहीं किया वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, मैं यहाँ पे फाइनल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो पहले लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। तो मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जो है पहले ऑलरेडी इस फोटो को ऐड करके रखा हुआ है। तो इस फोटो के अंदर जो है मैं एडिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एडिट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइट वाला ऑप्शन पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ 8 के आसपास। मैं फोटो को जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस कर लेंगे 52 के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट है हाईलाइट, हाईलाइट को माइनस कर लेंगे 32 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे शेडोज जो है इसको थोड़ा सा प्लस करना है, इसको भी करना है 30 के आसपास, अराउंड 31 के आसपास रख लेंगे। और इसका व्हाइट्स को थोड़ा सा माइनस कर लेंगे 12 के आसपास, और ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 37 के आसपास। ले जाएंगे कलर वाला ऑप्शन पे, यहाँ पे टेम्परेचर पे क्लिक करके तो थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 7 के आसपास, और टिंट को 12। उसके बाद इसका वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 42। और थोड़ा सा कलर को पॉप अप करने के लिए मैं थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ाना चाहूँगा, तो मैं इसको तकरीबन रखूँगा 7 के आसपास सिंपली। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कलर वाला ऑप्शन पे, रेड कलर को सिलेक्ट करूँगा, इसका ह्यू को थोड़ा सा प्लस करेंगे 5, और जो सिचुएशन है इसको भी थोड़ा सा प्लस करेंगे प्लस 15। और सिचुएशन को 15 करने के बाद इसको थोड़ा अगर कम ज़्यादा कर सकते हो तो मैं इसको रखूँगा 5 के आसपास लेमन उसको। उसके बाद जाऊँगा मैं ऑरेंज कलर के अंदर, ह्यू को थोड़ा सा माइनस करेंगे और सिचुएशन को भी थोड़ा सा माइनस 8 के आसपास। सिचुएशन और ह्यू दोनों को 8 कर लिया है मैंने। उसके बाद जाना है यहाँ पे नेक्स्ट कलर येलो कलर के अंदर, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर पर आकर इसका लेमनस को करना भूल गया था, थोड़ा सा इंक्रीज 20। सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा येलो कलर के अंदर, इसका जो ह्यू है इसको बिल्कुल 100 माइनस, और इसका सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस 38 के आसपास, और इसका लेमनस को भी थोड़ा सा माइनस 21 के आसपास माइनस। उसके बाद जाना है ग्रीन कलर में, ह्यू बिल्कुल डाउन माइनस 100, और इसका सैचुरेशन को थोड़ा सा प्लस माइनस करेंगे, सॉरी गाइस, तो मैं इसको रखूँगा 46 के अराउंड, 46 के आसपास रखूँगा मैं इसको। उसके बाद जाऊंगा यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर, ब्लू कलर में जाने के बाद इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस करना है 25, और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा माइनस करना है 10 के आसपास। उसके बाद जाना है यहाँ पे जो एक्वा कलर है उस पर आ जाएंगे, इसका सिंपली मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर लूँगा 69 के आसपास। उसके बाद जाना है यहाँ पे पर्पल कलर में, इसका सैचुरेशन बिल्कुल 100 माइनस, और इसका भी सैचुरेशन माइनस 100। उसके बाद ओके करेंगे, इफेक्ट वाले टूल में जाना है, यहाँ टेक्सचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 28 के आसपास, और क्लियरिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे माइनस 8, डीहेज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ पे
डीएस को मैं रखूँगा तकरीबन 15 के आसपास, और इसका जो फिगनेट है इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, इसको मैं रखूँगा तकरीबन 26 के आसपास। तो ये देख सकते हो फोटो जो है काफ़ी अमेजिंग बन चुकी है। इसका बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ मैं पहले, बिफोर आफ्टर। तो ये थोड़ा जो फेस का कलर है मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं कलर वाला ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, और जो फर्स्ट कलर है इसका सिचुएशन को मैं थोड़ा सा माइनस कर लूँगा, -19 के आसपास, और ऑरेंज कलर का भी सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस 27। ये देख सकते हो फेस का कलर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुका है। और इस फोटो को सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस कर लेंगे, तो ये फोटो जो है आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ओके कर लेंगे यहाँ पे।